नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई बुल्गारिया के बारे में। बुल्गारिया, हालांकि आपको लगता है कि यार अभी यूरोप हालांकि शेंगेन की कंट्री है शामिल में, लेकिन लोगों को लगता है गरीब कंट्री है, लेकिन 100% बात सच्ची यह है कि भाई साहब बुल्गारिया ही आपको वीज़ा देगा। क्योंकि बड़े देश जाऊँ है ना, बड़े गाँव जाऊँ, बड़े लड्डू खाऊँ, हमारे राजस्थानी में कहावत है, बड़े देश जाओगे वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, और इसलिए आप जाओगे नहीं। तो भाई रोमानिया, बुल्गारिया आपको पता है शेंगेन में शामिल हुए हैं, वहाँ पर लगभग 3 लाख वर्करों की ज़रूरत है। जी हाँ, ये 100% राइट इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे तनख्वाह कितनी मिलती है। 11 प्रकार के ऐसे जॉब हैं जहाँ पे अभी आपको तुरंत जाते ही जॉब मिल सकता है। जी हाँ, और इस साल 2024 में सरकार कितना वीज़ा लोगों को देने वाली है, और इंडियन लोग अभी बुल्गारिया में क्या स्थिति है, डिटेल्स इस वीडियो में जानिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं बैठा हूँ भाई एक खाली जगह है जहाँ पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी होती है दुबई में, तो शुरुआत कर लेते हैं। सवाल है तो कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो भाई बात यह है कि बुल्गारिया में आने वाले समय में लगभग 3 लाख वर्करों की जरूरत है। उसमें कौन कौन से जॉब सबसे ज़्यादा हैं, 11 डिमांड, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बुल्गारिया के जो सैलरी की बात करें तो लगभग सैलरी एवरेज सैलरी 500 यूरो से 700 यूरो तक आपको तनख्वाह मिल जाती है एवरेज। हालांकि बुल्गारिया रोमानिया में सेम सैलरी आप सबको पता है 500-700 यूरो, यानी आप समझ लो 50,000 से 70,000 रुपये तक नॉर्मली आदमी कमा सकता है, इतनी तनख्वाह वहाँ पे मिलती है। और इसको लेके तनख्वाह हालांकि कम है, इसको लेके वहाँ एक कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अध्यक्ष हैं, लेबर जिसको बोल सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट, उन्होंने एक बयान भी दिया है। बोले यार हमारे देश में औसतन सैलरी वाले वही लोग आते हैं नॉर्मल देशों के, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, कजाकिस्तान, यहाँ के लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा आते हैं और वो हमारे देश में जल्दी घुल मिल जाते हैं क्योंकि पड़ोसी देश हो गया। जबकि बात ये कि वो लोग हैं जिनके देश में औसतन सैलरी 150, 200, 300 यूरो महीने की होती है। अब आप सोचोगे यार इतनी कम तनख्वाह, यूरो में तो आपको कम लगती है भाई साहब, 200 यूरो का मतलब 20,000 रुपये करेंसी हो गई इंडियन करेंसी, तो इंडिया में भी एक आदमी इतना कमाता ही होगा, आपको पता है इतनी तनख्वाह है। और उज्बेकिस्तान, उर्मेकिस्तान वगैरह वहाँ पर भी इतनी तनख्वाह है। हालांकि आप लोग मुझे ऑफर लेटर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के भेजते रहते हो 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी के, हालांकि वो मिलता नहीं है। आगे उन्होंने अपने बयान में ये बताया कि पहले तो हमारे देश में ये आते थे 2015-16 के करीब, लगभग 5 से 6 हज़ार वर्कर हमारे साल में हमारे देश में आते थे, लेकिन अभी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ के लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा आते हैं। इन लोगों की सोच ये होती है यार चलो हमारे घर में 200-300 का मतलब ये होता है खर्चा हो जाता है बंदे का, 150-200-300 यूरो उनको घर भेजना होता है, ऐसा उन्होंने प्रेसिडेंट ने जो बयान में दिया, ये सत्य बात भी है। हमारे देश में भाई वर्कर कितना कमाता है, इंडिया में 10,000, 15,000, 20,000 जोर मार के सैलरी मिलती है। अगर बुल्गारिया में आपको 50,000 मिल रहे हैं तो अच्छी सैलरी, आपको पता है कि अच्छी सैलरी आप इसको मानते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि सैलरी कम मिलती है विदेशी वर्करों को, इंडियन जो बुल्गारिया के लोकल वर्कर हैं उनके बराबर उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको अधिकार भी वो मिलने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी देश में आप जाओगे लोकल को तनख्वाह ज़्यादा मिलती है और दूसरे जो विदेशी होते हैं जैसे आप लोग जाते हो आपको तनख्वाह बहुत कम मिलती है, ऐसा उन्होंने मुद्दा उठाया है। हो सकता है आगे आने वाले समय पर इस पर तनख्वाह सुधार हो जाए, सरकार बढ़ा दे, वो अलग मैटर होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ी बात करें भाई, ऊपर मैंने बताया था ना 11 ऐसे जॉब हैं जो जॉब शॉर्टेज है वहाँ पर, आप चाहो तो बुल्गारिया में इस जॉब में सबसे ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें हैवी ट्रक ड्राइवर एंड लॉरी ड्राइवर, दूसरी है स्विमिंग मशीन एंड ऑपरेटर, इसमें आप जा सकते हैं, वेल्डर एंड फ्लेम कटर इसमें जा सकते हैं, ग्राइंडर और हिस्टोरिकल एंड नर्सरी इससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसमें जा सकते हैं, वेटर की जॉब मिल सकती है, सेफ की जॉब आपको मिल सकती है, अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है, सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनकी भी जरूरत है, नर्सिंग प्रोफेशनल हैं वो भी इसमें जा सकते हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल हैं, पैरा टीचर्स उसमें भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें और भी बहुत सारे जॉब हैं सरप्लस प्रोफेशनल, अगर बुल्गारिया में बात करें ना वेजिटेबल से रिलेटेड भी जॉब वहाँ पे हैं, बिल्डिंग फ्रेम वाले बिल्डिंग से लाइन जॉब होते हैं वो भी काफ़ी सारी जॉब है, ट्रेड वर्कर चाहिए इन वेल्स, क्लासिफाइड शॉप सेल्स असिस्टेंट, सोशल वर्कर असिस्टेंट वगैरह, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेटिव वगैरह, ये बहुत सारे जॉब इसमें, फेजिलिटिस्ट वगैरह ऐसे भी बहुत सारे, यानी कुल मिला के 20 प्रकार के जॉब ऐसे हैं जो यहाँ पे बुल्गारिया में आप ट्राई कर सकते हैं। बुल्गारिया के आपको मैन पावर ऑफिस भी मिलेंगे, आपको मैन पावर अच्छी ऑफिस मिल जाएगी जो आपको विदेश भेज सकती है। तो ये कुछ डिटेल थी, अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी अगर लेनी है तो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।